हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंह राठौर अगेन आप लोगों को अपने चैनल नीतूज लाइफस्टाइल में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल जो कि हमारा होली में बहुत ही फेमस है। वो खाने का चीज़ है, बट जैसे ही होली का नाम आता है सबसे पहले लोग गेस करते हैं दही बड़ा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द के दाल से दही बड़ा। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से बनाना है हम लोग को होली स्पेशल दही बड़ा। तो इसके लिए इसका इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, पहले देखते हैं। ये देखिए हमारा उड़द का दाल है, इसको मैंने फुला के और इसका पेस्ट बना लिया है। बस मैंने आपको दिखाने के लिए ये दिखाया है, इसका कुछ इस तरीके से पेस्ट बन गया है हमारा। अब हमारे दही वड़े का टेस्ट को दुगुना करने के लिए ये इमली की चटनी है, ये भी मैंने खुद से बनाया है। जिन लोगों को भी इसका चाहिए रेसिपी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये हमारा दही है और ये लाल मिर्च, काला नमक और चाट मसाला। तो चलिए अभी हम लोग पहले दही वड़ा कैसे बनाते हैं, इसके लिए कर लिया है हम लोगों ने तेल गर्म और अभी दही वड़ा डालेंगे इसमें ना है। और इस तरीके से पहले फैला देना है, उसके बाद कढ़ाई में रखना है। तो देखिए ये मैंने रखा, इसी तरीके से सारा रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हम लोग को अब ये इस पहला हम लोगों ने डाला था तो सारा ब्राउन हो चुका है, अब इसको टर्न कर देंगे। देखिए ये हमारा बड़ा तैयार हो गया है। अब इसको पहले टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी तेल है वो निकल जाए। उसके बाद इसको क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। तो इसलिए एक्स्ट्रा तेल जो भी था वो इस तरीके से कर देंगे, निकल जाएगा। और इसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में ऐसे, देखिए मैंने पानी रखा है, अब इसके अंदर डालना है ये बड़ा। अब इसको डालना है पानी में और 2 मिनट के बाद इसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या होगा वो मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये इस तरीके का स्पंजी और सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा इसका पानी इस तरीके से निचोड़ देंगे और इस सबको सारे को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा वड़ा इस तरीके से रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम लोग दही जो फेंट के हम लोग रखे थे, तो इस तरीके से डालेंगे हम लोगों ने ये जो जीरा का पाउडर बनाया था, लाल मिर्च और नमक, तो पहले ये डालेंगे हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च। ये दिखने में भी बहुत बढ़िया कलर लगता है और खाने में भी थोड़ा स्पाइसी होता है। अब देखिए लास्ट हमारा है चाट मसाला, तो अब चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर। वैसे जैसे आप लोगों ने उड़द का मैंने बना के दिखाया ना, वैसे आप लोग मूंग की दाल की भी बना सकते हैं। जिन लोगों को उड़द हानिकारक होता है, जिनके लिए जिनको पेट में कोई प्रॉब्लम होता है, वो लोग मूंग की दाल का भी दही बड़ा खा सकते हैं। दही बड़ा हो गया रेडी, अब इसको आप लोग अच्छे से होली में लुफ्त उठाएं और अच्छे से इसी तरीके से बनाएं, खूब खाएं। हमारा दही बड़ा तो रेडी हो गया है, अब इसके साथ का सरप्राइज है कि मैं अब बनाऊंगी दही बड़ा चाट। तो इसके लिए चलिए इंग्रेडिएंट्स तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ये वड़ा हमारा, ये इमली की चटनी जो मैंने खुद से घर में बनाया है। किन्हीं को भी ये रेसिपी का चाहिए आइडिया तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चाट बनाना। तो चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे दही। सबसे पहले हम लोग 2 चम्मच दही नीचे पहले फैलाएंगे और डालेंगे इसमें हम लोगों ने जो सूखा मसाला बनाया था, वो पहले डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, ये जीरा का पाउडर और नमक। उसके बाद हमारा जाएगा ये 2 बड़ा, डालूंगी मैं अभी चाट के लिए। अब इसके ऊपर फिर से डालना है हम लोग को दही, तो दही डालेंगे
देखिए हमारा चाट तो बस यमी बनने वाला है आज। कितना अच्छा होता है ना, आप एक चीज़ बनाओ और उससे कई सारा चीज़ बनाने का आइडिया मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और होली में स्पेशली चाट के लिए, दही बड़ा के लिए, पुआ के लिए अभी मैं अगले वीडियो में बहुत सारा चीज़ बनाने वाली हूँ, बस होली स्पेशल। तो चलिए मैंने दही डाल दिया, अब मैं डालूँगी इसके ऊपर ये इमली का यमी सा चटनी। ये देखिए चटनी डाल दिया मैंने, अब मैं डालूँगी इसके ऊपर जो हम लोगों ने सूखा मसाला बनाया है वो लाल मिर्च, ये जीरा, काला नमक और ये चाट मसाला भी डालूंगी। और इसमें इस चाट को और भी लजीज बनाने के लिए इसमें डालूंगी मैं ये भुजिया। तो इसके लिए इस तरीके से डालना है, कितना यम दिख रहा है देखिए। ये डाल दिया मैंने, अब इसके ऊपर से फाइनली हम लोग को थोड़ा सा चाट मसाला डालना है। तो अब डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। यस, देखिए हमारा चाट हो गया है रेडी। तो आप लोगों को भी होली स्पेशल कुछ करना है तो अपने हाथ से आप लोग इस तरीके से बनाएं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा दही बड़ा होली स्पेशल, और दही बड़ा से ही आप लोग या हम लोग अच्छे से एक दही बड़ा चाट भी बना सकते हैं, वो भी मैंने दिखाया। यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको मेंशन करके फिर से क्लियर कर दूंगी। इसी तरीके से अब मैं बहुत सारा होली स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करें ताकि सबको ये आइडिया रेसिपी मिल सके ब्यूटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड। तो फिर चलिए फिर से मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक अलग आइडिया के साथ।